सभी रुक जाओ, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं रणदीप भाई के फार्म से, बहुत ही शानदार वैसे सामने आप देख पा रहे हैं, और बहुत सारे पंजाब के भाई देखिए पीछे, काफी सारे भाई भैंस लेने के लिए भाई के पास आए हुए हैं। बात करेंगे जानकारी लेके, जींद का जो पुराना डेयरी फार्म है उस डेयरी फार्म से वीडियो लेके आ रहे हैं, और बताना चाहूँगा जो भाई नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अभी रणदीप भाई से बात करेंगे और पूछेंगे सभी भैंसों के बारे में। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी। कितनी भैंसें खड़ी हैं जी इस फार्म पे? भाई जी खड़ी हैं 20 भैंस। और टोटल? टोटल तो 70-80 वैसे हैं यहाँ पे बिक्री वाली। हाँ भाई। और वैसे अगर वैसे हार्ड की बात करें टोटल दोनों? 125-150 वैसे। 125-150। हाँ। तो किधर से शुरू करेंगे जी भैंस दिखाना? एज यूजुअल एक नंबर से। तो बताइए भाई साहब एक नंबर के बारे में, ले आओ भाई खोल के। 19 किलो दूध तैयार है भाई, मेल काफ है। हाँ। मेल काफ भी बहुत बड़ा है इसी की तरह, बहुत बड़े साइज का। हाँ हाँ। और साइज इतना बड़ा है इस भैंस का भाई जी, मेरे हिसाब में हरियाणा में एक ट्रक बनाना पड़ जाए तो 20 दिन में बनेगा नहीं। एक ट्रक बनाना पड़ जाए? हाँ, एक ट्रक का 10 भैंस है अगर इतनी। अच्छा। बड़ी बड़ी। हाँ, इकट्ठी करनी पड़ जाए, बनेगी नहीं भाई, कहना कुछ भी कोई कह दो। ये देखिए बहुत बड़ी भैंस है, दूसरे ब्यांत की जोटी, तीसरे ब्यांत की जोटी, और जो है 19 किलो दूध फिलहाल तैयार है, साइज बहुत बड़ा है, दो भैंसों के बराबर इसका वजन। देखिए चेहरे से भी भारी दिखाई दे रही है, छाती भी ऐसे है जैसे कि बुलों के अगर कंपटीशन में आप लगा दोगे तो बुलों को भी दबाने वाली जोटी है। इसकी कीमत क्या रखी है भाई साहब? कीमत भाई मौके पे बताएंगे। कीमत इसकी मौके पे होगी। देखिए बहुत बड़ी साइज की फुल फ्लैश जोटी है, मिल्क वैन देखिए काफ़ी मोटी, लगभग छोटे बच्चे का जो बाजू होता है उसके बराबर मोटी मिल्क वैन है, और अडर की लंबाई काफ़ी अच्छी है ये देखिए। और दो नंबर वाली खोलो जी, बताओ जी इसके बारे में। बच्चा भी ले गया इसका दो नंबर वाले का? खोल भाई। भाई जी आज चौथे दिन की ब्याई है। चार दिन की ब्याई है। हाँ, 17 किलो दूध तैयार है। चार दिन की ब्याई में 17 किलो दूध है, उधर ही दिखा देंगे बच्चा? नहीं, यहीं पे दिखा देंगे, बच्चा भी देख के बता देंगे लोग। और कितने की बेचनी है भाई? मोल भाव भाई मौके का है। सभी भैंसों का? सभी भैंसों का मौके पे ही रेट होगा सभी भैंसों का। दो नंबर वाली भैंस देखिए बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा साइज है इसका भी अडर का, और जो बच्चा है वो भाई साहब बच्चा लगभग बांधते नहीं आगे क्योंकि काफी सारी भैंसे होती हैं, ये बच्चा इसलिए बांधा है, बच्चा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि भैंस जो है ये पता चल सके कि कितने दिन की ब्याई हुई है। ये देखिए जी भैंसे बच्चे को देख के बोलने लगेंगे, एक बार और घुमाना भाई। चार दिन की ब्याई में 14 किलो बताया, 17 किलो दूध, 17 किलो दूध, ठीक है। 3 किलो की गाड़ी है, 3 किलो की है गाड़ी, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे बिल्कुल क्लियर भाई की, ले आ भाई। और बच्चा जो है काफ़ी सारे जो पशुधन है इस कारण से, ये देखिए ये बड़ा है जी बच्चा, बच्चे का साइज भी काफ़ी बड़ा है। हाँ। कटड़ी है साथ में है? हाँ, कटड़ी है भाई। ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया, आगे बंद, आगे बंद। ये देखिए कटड़ी बहुत ही शानदार, 3 नंबर वाली खोलो भाई। ये भाई साहब कौन से ब्यांत की है? ये भाई फोर्थ लैक्टेशन की है, चौथे ब्यांत में है, और दूध वगैरह 17-18 किलो दूध मौके पे तैयार है। 17-18 किलो दूध मौके पे तैयार है। हाँ जी। कितने दिन की ब्याई होगी? एक हफ्ते की ब्याई होगी भाई। और इसकी भी कीमत मौके पे ही? हाँ, होगी सभी की मौके पे कीमत होगी, लेकिन जो रेट होगा वो फिक्स होगा, चाहे मौके पे करे चाहे बता के करे। ठीक है। 3 नंबर वाली भैंस है ये? हाँ जी। इसके बारे में दोबारा बताना, लैक्टेशन और दूध? फोर्थ लैक्टेशन की है, 17-18 किलो दूध तैयारी का है मौके पे। ठीक है। ये देखिए जी जो दूध बता दिया, दूध पक्का मिलेगा, अडर की क्वालिटी देखिए, अडर की क्वालिटी देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार जो है जोटी भैंस, जोटी भैंस कहेंगे। और ये बंद हो भाई, ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी भैंस है, रणदीप भाई को जाना जाता है क्वालिटी के लिए। ये देखिए इससे आगे 4 नंबर वाली खोल के ले आओ। ये बताओ जी भाई, ये तो हो गई होगी मेरे सामने 4 महीने के आसपास की ब्याई हुई, 4 महीने की ब्याई है। इसको बेचते नहीं, सिर्फ इसको ये दिखाते हैं, इतनी बीमार हो गई भैंस, रूटीन पे 20-21 किलो दूध पे चल रही है अभी भी, 20-21 पे है। हाँ। जिसको आप ब्यूटी कंपटीशन में लगाने की कह रहे थे वही है। हाँ हाँ। ले आ भाई, बढ़िया थनों का गैप, टिट्स पेसिंग देखिए बहुत ही शानदार, आगे पीछे वाले थनों का गैप काफी अच्छा,
और बिल्कुल छोटे सिंह की पतली चमड़ी की पतली गर्दन की, ये देखिए बहुत ही शानदार पशुधन। फिर कहूँगा रणदीप भाई को जाना जाता है क्वालिटी के लिए, तारे जो है वो गिरा रही है भैंस और शायद हीट में आने वाली हाँ है भाई। इससे आगे ये वाली भाई, ये भाई ब्याने वाली है। अच्छा बच्चा देने ब्यायेगी, बहुत अच्छी रिपोर्ट है भाई जी। पहले ब्यात में कितना दूध दिया पहले ब्यात में? 16-17 किलो। कब तक बच्चा दे देगी? ले लेगी 5-7 दिन, अभी तो 5-7 दिन में बच्चा दे देगी। ये देखिए ऑर्डर की क्वालिटी देखिए, बहुत ही बेहतरीन। फिर क्वालिटी की बात आ जाती है, एक एक भैंस के साथ अलग अलग बताना पड़ रहा है कि रणदीप भाई को जाना जाता है शानदार क्वालिटी के लिए, शानदार क्वालिटी का पशुधन रखने के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शरीफ और शांत दिखाई दे रही है भैंस। छोटी हो या बड़ी हो भाई जी, क्वालिटी मिलेगी बिल्कुल। और इससे आगे ये खोलो भाई, सेकंड टाइमर है भाई जी। खीस से खाली होती में 10-11 किलो से स्टार्टिंग की है। ठीक है, नॉर्मल 15 किलो दूध दे देगी। 15 किलो पे चली जाएगी नॉर्मल, ज़्यादा बेचक दे दो। ठीक है, इसकी भी कीमत मौके पे ही होगी। हाँ जी, ये देखिए थड़ों का गैप काफ़ी अच्छा, शानदार पशुधन मुर्रा का भाई सबके पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल छोटा सींग और अच्छी जो है क्वालिटी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और इससे आगे एक और जोटी, पहले ब्यात की जोटी है भाई जी। हाँ हाँ, खड़ी खड़ी देख लो, ठीक है। हाँ हाँ, ब्याई भी हो गई एक महीने के आसपास की। हाँ हाँ, और इसमें अभी 12-13 किलो दूध तैयार है। और बेचने की कीमत? 1.25 लाख रुपये देनी है। 1.25 लाख, 1,25,000 रुपये की बेचनी है। और इससे आगे ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई जी, कम देगी 18 देगी, नहीं तो 20 किलो दूध देगी। अच्छा, हाँ खोल के ले आओ, खोल के ले आओ। तो चुआई वुआई भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कितने दिन की ब्याई में कितना दूध है? 4-5 दिन की ब्याई है भाई जी, होगा मेरे सामने 13 किलो बोला। 13 किलो खीस होगा? हाँ 14। ठीक है, ये देखिए बहुत ही शानदार एक और जोटी, इसका भी थड़ों का आप गैप देख सकते हैं। चुआई भी इतनी बढ़िया है जितना गैप है, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत ही शानदार, जैसे बना के लगा रखे हों थन, इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी खूबसूरत जोटी ये देखिए। और इससे आगे फिर एक और जोटी, ये भाई ये सेकंड टाइमर है भाई जी। नीचे फीमेल काफ है, बोले से खाली किए सुबेरे खीस से। कितना दूध दे देगी? दूध दे देगी 16-17 किलो, 16-17 किलो दूध दे देगी। और इसकी कीमत क्या होगी? खोल लो भाई जी, मौके पे ही कर देंगे। अभी दूध दाद का सिस्टम देखिए, चुआई का भी आई है। अच्छा अभी आई है, इधर ले भाई, ये देखिए। और नए साल पे मुहूर्त की है, कई पैसे खरीदी आज। अच्छा ये देखिए जी, 1 तारीख को ही वीडियो बना रहे हैं भाई का, जो बड़ा फार्म है कौन सा गांव है जी वो? खंडा, खंडा खेड़ी गांव, वहां भी आज के दिन ही वीडियो बनाया और यहां भी आज के दिन ही वीडियो बना रहे हैं। और इससे आगे अगर हम बात करें एक और, ये भाई जी वही भैंस जो मिल के उसमें कंपटीशन में गई थी। हाँ हाँ, की भैंस 8वीं इलेक्ट्रेशन की। कहाँ गई थी ये? जगराव, रहने दो भाई खोलने को, इसको बेचते नहीं, ये अपना PDFA में गई थी। अच्छा अच्छा, मिल्किंग में, मिल्क ब्यूटी में गई थी, मिल्क में नहीं। हाँ, मिल्क ब्यूटी में गई थी। ठीक है, ये तो घर पे रखी है। हाँ जी, उस पंचायती जोटे की है। हाँ हाँ, ठीक। आगे वाली खोलो भाई, ये भाई साहब, ये भाई जी खीस से खाली की है, बोले से खाली की है। हाँ ले आ, ले आ भाई, नीचे फीमेल काफ है। हाँ हाँ, साथ में कटड़ी। हाँ, और 9-10 किलो बोले से स्टार्ट की है इसने। ब्यांत कौन सा है इसका? दूसरा, दूसरे ब्यांत की है इसकी। अभी कीमत मौके पे? हाँ जी, ठीक है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार पशुधन भाई के पास। और इससे आगे फिर एक भैंस और बाकी रहती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके बारे में बताओ भाई। सेकंड लैक्टेशन की है भाई। हाँ हाँ, अभी होगा 14-15 किलो दूध मौके पे तैयार होगा इसमें। हाँ हाँ, बीमार हो गई थी ये बच्चा देते ही। हाँ 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 भाई, खोलो भाई, खोल ही दिया। तो कितने दिन की ब्याई है अभी? ब्याई होगी होगी 8-10 दिन की। अच्छा 8-10 दिन की ब्याई है, तो अभी तक इसमें मेरे सामने 17-18 किलो होना चाहिए था। और अभी कितना है बताए? 14 किलो दूध है। 14 किलो, तो ये भी तैयार करके ही बेचोगे? हाँ तैयार करके। ठीक है, ये देखिए बहुत शानदार भैंस है भाई के पास। और बहुत सारे भाई जो हैं पंजाब से आए हुए हैं, देखिए पीछे खड़े हैं। और भैंस लेने आए हो जी सारे भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, तो जो भी भाई भैंसे लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। भाई भैंस लेने आए हैं, डॉक्टर साहब है, सीमन लेने आए हैं। हाँ,
ठीक है, चलता ही रहता है काम? हाँ बिल्कुल भाई, डेली रूटीन का। चलो ठीक है जी, तो ये देखिए आज का वीडियो रणदीप भाई के फार्म से, जींद में जो इनका फार्म है वहाँ से लेके आए। काफ़ी सारी वैसे आप नंबर के हिसाब से फ़ोन करके पूछ सकते हैं इनकी कीमत के बारे में। सभी भाइयों का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।